मोहम्मद शमी ने भाग लिया होगा अगर मैं अपने मोबाइल नहीं मिला, पत्नी हसीन जहां कहते हैं। मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने दावा किया है कि उन्हें अपना मोबाइल फोन नहीं मिला तो वह उसे तलाक दे दिया होता। मोहम्मद शमी की पत्नी हसीन जहां ने रविवार को भारतीय क्रिकेटर के खिलाफ अपना अभियान जारी रखा और दावा किया कि उसके पति उत्तर प्रदेश से भाग गए होंगे और तलाक दे चुके हैं कि उन्हें मोबाइल फोन नहीं मिला जिसका इस्तेमाल शमी ने अन्य महिलाओं से बातचीत करने के लिए किया था। शुक्रवार को शमी पर कोलकाता में अपनी पत्नी की दायर शिकायत के आधार पर हत्या का प्रयास करने का आरोप था। भारत के तेज गेंदबाज के खिलाफ 7 आरोप लगाए गए हैं, उनमें से एक भोजन की जहर और शारीरिक हमले द्वारा हत्या का प्रयास है। मैंने उन्हें समझाने की कोशिश की कि उन्हें अपनी गलती को स्वीकार करना चाहिए। मैं बहुत लंबे समय से कोशिश कर रहा हूं, अगर वो मोबाइल फोन पकड़ नहीं पाया तो वह अब तक छुपी तक चलेगा, अब तक मुझे तलाक दे दिया जाएगा। अगर मेरे पास मोबाइल फोन नहीं था तो समाचार एजेंसी ANI ने ट्वीट किया हसीन जहान का हवाला देते हुए। हसीन जहान ने आरोप लगाया कि उसके पति खुद को बचाने के लिए कहानियों को सम्मिलित कर रहे हैं। उन्होंने आरोपों से खुद को बचाने के लिए सभी प्रकार की चीजों को बना दिया है। मैंने मीडिया को सभी विवरण दिए जाने के बाद भी मीडिया की जांच क्यों नहीं की? जब तक मैंने सोशल मीडिया में ले लिया तब तक मैंने उनको हमारी शादी बचाने के लिए मना करने की कोशिश की, वापस आने की कोशिश करता है, मैं अभी भी विचार कर सकता हूं, उसने कहा। शमी के बड़े भाई के खिलाफ बलात्कार का आरोप भी लगाया गया है। शमी पर भारतीय दंड संहिता IPC के लिए धारा 498, 323, 307, 376, 506, 328, 34 के तहत आरोप लगाया गया है। इस बीच शमी को अपनी पत्नी द्वारा किए गए आरोपों के बाद भारतीय क्रिकेट बोर्ड BCCI के लिए वार्षिक खिलाड़ी अनुबंध प्रणाली से बाहर नहीं छोड़ा गया था। हालांकि भारत की गतिरोध अनुबंध सूची में वापस आ जाएगा अगर बेगुनाही साबित हो। शमी की इंडियन प्रीमियर लीग फ्रेंचाइजी दिल्ली डेयरडेविल्स भी स्थिति का एक स्टॉक ले रहे हैं। डेयरडेविल्स अब BCCI की कानूनी राय का इंतजार कर रहे हैं कि क्या उन्हें बंगाल की तेज गेंदबाज को अपने शिविर में शामिल होने की अनुमति देनी चाहिए, जो कि महीने के आखिर में शुरू होगी। विवाद पहले तोड़ दिया जब हसन जहान ने अपने फेसबुक अकाउंट पर कई महिलाओं के साथ अपने व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर बातचीत के स्क्रीनशॉट पोस्ट किए। उसने महिलाओं के फोटो और फोन नंबर भी अपलोड किए। हसीन जहान ने आरोप लगाया कि शमी 27 और उनके परिवार के सदस्यों ने भी उसे मारने की कोशिश की थी। हालांकि शमी ने अपनी निर्दोषता को बरकरार रखा और अपनी पत्नी हसीन जहां पर यातना देने के आरोपों का खंडन किया और विवाहेतर संबंध रखने वाले आरोपों का खंडन किया। हाय, मैं मोहम्मद शमी हूं। आप जितने भी समाचार हमारा निजी जीवन के नंगे हो सकते हैं, मैं तुम्हारा प्यार करता हूं, सब सरसर झाट है। कोई बहुत बड़ा है हमारे खिलाफ साजिश है या आप मेरे बदनाम करने या मेरा खेल खाब करने का कुछ कीजा। शहीनी ने ट्वीट किया, मैं अपने व्यक्तिगत जीवन के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूं। यह मेरे खिलाफ एक साजिश है और यह मेरे खेल को बाधित करने के लिए किया जा रहा है।